बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और उसके बाद हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास व्यूज होते हैं, उनके हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था वन टू वन, वन टू मैनी, ये हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो इस तरह से हैं कि अगर हमारे पास जो टेबल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, वो जो टेबल्स है हमारे पास किस किस्म की हमारे पास होती है, यानी कि ये जो टेबल्स हम बनाते हैं कि किस किस्म की, कितनी हमारे पास अकसाम है, वो टेबल्स हमारे पास किस टाइप्स ऑफ रिलेशंस या टाइप्स ऑफ टेबल्स आप इसे कह लीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक अपनी बेस टेबल, वो बेस टेबल जैसे कि स्टूडेंट्स हम टीचर के लिए एक टेबल तैयार करते हैं कि टीचर का नाम होगा, टीचर आईडी होगा, हमारे पास टीचर नेम होगा, हमारे पास टीचर क्वालिफिकेशन होगी, हमारे पास उसका एड्रेस होगा, और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर कॉलम्स होंगे जो कि उसकी सैलरी भी डिफाइन कर रहे होंगे, उनका ग्रेड भी डिफाइन कर रहे होंगे, और उसके अलावा हमारे पास उसके जो ईमेल आईडी है, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं या कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होंगे जो कि एक बेस टेबल के अंदर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स का टेबल होगा, हमारे पास क्लासेस का टेबल होगा, हमारे पास जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके टेबल्स होंगे। स्टूडेंट्स, जो बेसिक हमारा जो टेबल होता है उसे हम बेस टेबल कहते हैं। ये हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स उसको अपडेट भी कर सकते हैं, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सीक्वल स्टेटमेंट्स के जरिए, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेजेस के जरिए हम इनको स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो हमारे पास अवामिल है वो कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है क्यूरी रिजल्ट। अब आप देखिए हमारे पास एक टीचर का टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैंने आपको गिनवा दिए कि हमारे पास इतने सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो क्यूरी रिजल्ट में लेट्स सपोज हमसे सिर्फ ये कहा जाता है कि हमें वो टीचर दिखाए जाएं जो के फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हैं, या वो टीचर हमें दिखाए जाएं जो इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, और या हमें वो टीचर दिखाए जाए जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से अबव है, या वो टीचर दिखाए जाए जिनका ग्रेड जो है वो 16 से कम है। स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करते हैं, हम क्यूरी करेंगे, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स होंगे जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे होंगे, उनकी सैलरी मुख्तलिफ होंगी। जैसे हम क्यूरी करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो इस टेबल के ऊपर अप्लाई होगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, एक हमें नया टेबल मिलेगा टीचर का, जिसके ऊपर क्या होगा, जिसमें सिर्फ हमारे पास टीचर का आईडी होगा, टीचर आईडी जो चीज हमने मांगी थी उसका टीचर का नेम होगा, और जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उसके यहाँ पर हमारे पास। तो एक और बड़ा टेबल बनेगा जिसमें सिर्फ लिमिटेड चीजें होंगी, लिमिटेड हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, बजाय इसके पूरा का पूरा हमें पूरा टेबल दिखा दिया जाए जो हमारे पास अनडिजायर्ड हमारे पास जो फील्ड्स थी या एट्रीब्यूट्स है हमें वो भी दिखा दिए जाए, हमें सिर्फ वो टेबल दिखाई देगा जो जो हमने रिक्वायर किया था। तो उस टेबल को हम कहते हैं क्यूरी रिजल्ट्स। क्यूरी रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी एक टेबल की शक्ल में हमें मिलते हैं। तो जो बेस टेबल था उसमें तो बहुत सारी हमने बातें लिखी थी, जब हम क्यूरी करेंगे तो क्यूरी में हमारे पास एक शॉर्टली हमारे पास जवाब आएगा, जो हमने जो सवाल किया था, हमने तमाम एट्रीब्यूट्स को नहीं मांगा था, हमने बहुत ही लिमिटेड हमने जो हमारे पास स्टूडेंट्स सवाल था कि हमें वो टीचर दिखाया जाए जो जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, या हमें वो टीचर दिखाया जाए जो जिनका ग्रेड जो है वो 16 से कम है, या उनकी सैलरी जो है 30 से अबव है। इस तरह के हम सवाल कर सकते हैं कि हमें फला चीज चाहिए। देखिए, हमसे ये भी कहा जा सकता है कि हमें इन टीचर में से जो मेल टीचर है उनको अलग कर दिया जाए, तो जहाँ पर जेंडर हमारे पास होगा वो जेंडर जो है वो सिलेक्ट होगा, और जो मेल होंगे वो अलग हो जाएंगे, फीमेल जो है वो अलग हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो क्यूरी रिजल्ट्स भी हमारे पास टेबल की शक्ल में आते हैं, हम उनको भी टेबल की शक्ल में देखते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास होता है स्टूडेंट्स व्यूज, व्यू करना, जस्ट देखना। देखिए, हम यहाँ पर भी वही हमारे पास इस तरह क्यूरी करते हैं, रिजल्ट हमारे पास आते हैं, व्यूज में भी हमारे पास रिजल्ट होते हैं, लेकिन हम उनको सेव कर सकते हैं, व्यूज हम महफूज कर लेते हैं,
कि जी ये हमारे पास मुख्तलिफ हैं, आप उन पर क्लिक करके आप मुख्तलिफ जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल इस तरह से कि हमारे पास स्टूडेंट एक स्टूडेंट का टेबल है, हम चाहते हैं कि जी हमारे पास उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाए जिनका ग्रेड जो है वो ए है, या उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाए जिनकी जो अटेंडेंस है वो 100% है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम व्यू करते हैं, और व्यू करने के लिए भी वही बात कि जो डाटा सिलेक्ट होगा वो इसी बेस टेबल से ही होगा, डाटा यहीं से ही उठाया जाएगा, लेकिन वो भी एक व्यू जो होगा स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास एक टेबल ही होगी, और टेबल के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। स्टूडेंट्स टेबल्स के अंदर हम डाटा फीड करते हैं, टेबल्स के अंदर हम क्यूरी करते हैं, टेबल्स के जरिए ही हम व्यू करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास व्यूज के मुख्तलिफ यहाँ पर एडवांटेजेस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम जो व्यू कर रहे होते हैं उसके हमारे पास फायदे क्या क्या हैं। नंबर वन हमारे पास सिक्योरिटी का, के बजाय इसके कि आप पूरा टका पूरा टेबल उठा के किसी को दिखा दें, उसमें आपकी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपके पास मालूमात हैं जिनको आप छुपाना चाहते हैं किसी और के साथ, आप वो भी दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स व्यू जो होता है वो क्या करता है, वो आपको इन इस तरह के जो हमारे पास ऑप्शन है उनसे बचाता है आपको। यानी कि जो आपने डिमांड किया वही व्यू आपको नजर आएगा। जिस तरह आपको स्टूडेंट्स मैंने दिखाया था जो हमारा सिर्फ जो हमारे पास एक प्रोग्राम था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसमें व्यू क्या था कि जैसे ही यूजर ने मैंने अपना दिया अपना पासवर्ड दिया, मुझे मेरा रिकॉर्ड मेरे सामने मेरे आया, मेरे पास जो व्यू आया वो मेरे अपने रिकॉर्ड का आया, किसी और का व्यू नहीं था, किसी और का रिकॉर्ड नहीं था, किसी और का जो पर्सनल डाटा था वो नहीं था, सिर्फ जो मेरा रिकॉर्ड था वो मेरे सामने आया। इसी तरह से जो बच्चा अपना रोल नंबर देगा उसके सामने जो व्यू आएगा, जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि जी आपका जो रिजल्ट था एफएससी का, आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट था वो टेबल की शक्ल में था, और उसमें सिर्फ जब आपने रोल नंबर एंटर किया आपको किसी और का रिजल्ट नजर नहीं आया, आपको आपका अपना ही रिजल्ट नजर आया था। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है कि कोई दूसरा आदमी, लेट्स सपोज तस्वीर होती है, जिस तरह हमारी बच्चियों की तस्वीर होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो कोई और आदमी जो है यूजर नेम पासवर्ड देके उन तस्वीर को नहीं देख सकता, जो जिस बंदे के पास अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा वही अपना यूजर नेम पासवर्ड लगाकर अपना व्यू कर सकता है। तो स्टूडेंट्स एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कमाल की चीज है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी सिंपलिसिटी है, कि क्यूरी करना बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग क्यूरी से मुराद क्वेश्चनिंग होती है, डेटाबेस से आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये टेबल वो टेबल ये टेबल ये टेबल मुझे इसमें से फिलहाल होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब आप क्यूरी करते हैं जो आपको व्यू बन के आता है वो मुख्तलिफ टेबल्स बन के नहीं आती, आपके पास क्या होगा एक ही टेबल बन के आएगी और उसमें वो तमाम चीजें होंगी जो मुख्तलिफ टेबल्स पर पड़ी हुई है। यानी कि एक हमारे पास टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश का जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है वो इस साइड पर पड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारे पास कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं वो इस साइड पड़े हुए हैं, किस क्लास को पढ़ा रहा है वो अलग हमारे पास टेबल है। तो स्टूडेंट्स डाटा हमने मांगा कि एक टीचर का रिकॉर्ड चाहिए जो कि इंग्लिश पढ़ा रहा है या हमारे पास फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, तो टीचर का रिकॉर्ड यहाँ से निकलेगा, क्लास का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से हमारे पास आएगा और जो हमारे पास क्लास है वो यहाँ से पढ़ा ली जाएगी, और हमें एक टेबल बना के हमें रिजल्ट दिखा दिया जाएगा कि ये आपका टेबल है। तो क्यूरी करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया व्यूज जब हम यूज करते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स है स्ट्रक्चर सिंपलिसिटी, आपका जो स्ट्रक्चर है आपने जो लॉजिकल व्यू बनाया, आपने फिजिकल